Hi everybody, welcome to Abhimanyu IAS, India's best platform for UPSC और State Civil Service Examination. हमारा इंस्टीट्यूट पिछले 23 ईयर्स से मोर देन 2000 से ज़्यादा सिलेक्शंस दे चुका है, इंक्लूडिंग टॉपर्स इन सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन. मेरा नाम मनिंदर है, आई एम वन ऑफ द फैकल्टीज़ ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक एट द इंस्टीट्यूट एंड आई एम ऑल्सो पंजाब PCS रैंक 36. ये जो सीरीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं कॉन्सेप्ट्स इन जनरल स्टडीज़, इस सीरीज़ में जो एनवायरमेंटल सेक्शन है उसमें से आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे. दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस और इवन 2023 और 24 के लिए भी. अभिमन्यु IAS नए बैचेस लेके आ रहा है 2023-24 को टारगेट करने के लिए. अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया होगा, आप उसको क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स इन जनरल स्टडीज़ में वो है बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन. बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, बायो एक्यूमुलेशन क्या चीज़ होती है, यहाँ से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक बॉडीज़ हैं, चाहे वो फिशेस हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडीज़ हैं, वो ऐसे सब्सटेंसेस को डिग्रेड नहीं कर सकती थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन और एक्सक्रीशन. और ऐसे सब्सटेंसेस जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये बॉडी में रह जाते हैं, मतलब फैट्स में स्टोर हो जाते हैं, लिपिड्स में स्टोर हो जाते हैं और फिर ये बाहर हम इसको नहीं निकाल सकते. ऐसे सब्सटेंसेस जो बॉडी में रह जाते हैं इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन. बायो एक्यूमुलेशन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये फ़िश की, अगर लेट्स से फ़िश मतलब वाटर में है और वाटर में वैसे सब्सटेंसेस जले जा चुके हैं तो वो धीरे धीरे करके फ़िश की बॉडी के अंदर एंटर करते रहेंगे और विद टाइम फ़िश की बॉडी जो है टोटली उन सब्सटेंसेस से पूरी हो जाएगी. और ये सब्सटेंसेस टॉक्सिक्स रिलीज़ करते हैं जो फिशेस को बहुत इफ़ेक्ट करती है. ऐसे प्रोसेस को जहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट होता रहे, बिकॉज वो नॉर्मल प्रोसेसेस ऑफ मतलब एक्सक्रीशन या इन प्रोसेसेस के थ्रू वो बाहर नहीं आ रहा, ऐसे प्रोसेस को हम बायो एक्यूमुलेशन की कैटेगरी में डालते हैं. सो बायो एक्यूमुलेशन इन अ वेरी सिंपल वर्ड इज़ the accumulation of non-biodegradable substances in a particular organism. अब आपको पता है कि यार जैसे पूरा हमारा सिस्टम फूड चेन या फूड वेब के बेसिस पे चलता है, तो ऐसा तो है नहीं कि फ़िशेज़ जो हैं वो अकेली रहती हैं, उनकी इंटरेक्शंस होती है विद अदर ऑर्गेनिजम्स. तो फ़िशेज़ को अगर कोई कंज्यूम करता है, मतलब फ़िशेज़ का फूड चेन का जो ऊपर का लेवल है, जब वो ऐसी फ़िश को कंज्यूम करेगा तो डेफिनेटली उसके अंदर वो सब्सटेंस चला जाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी उसकी जूनियर फिश में अवेलेबल था. तो जो बड़ी फिश है, द बिग फिश, व्हेन इट्स गोइंग टू ईट द स्मॉल फिश, इट्स गोइंग टू हैव दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस विदाउट हैविंग दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इन इटसेल्फ, और वो सारा उस पर्टिकुलर बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा. ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जैसे जैसे फूड चेन में हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो पोल्यूटेंट जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन. तो फॉर एग्जांपल एक छोटी फ़िश है, उसको बड़ी फ़िश ने जो है ईट किया, वेल ने ईट किया, और फिर उसके बाद वो कुछ और मैमल जो है उसको कंज्यूम कर रहा है, तो धीरे धीरे करके आप देखो कि वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जो पोल्यूटेंट है, वो धीरे धीरे करके उसकी क्वांटिटी बड़े ऑर्गेनिज्म में और भी ज़्यादा बढ़ गई, और भी ज़्यादा मैग्नीफाई हो गई है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन. तो बायो एक्यूमुलेशन और मैग्निफिकेशन में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है. बायो एक्यूमुलेशन मतलब सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर वो चीज़ एक्यूमुलेट होती जा रही है, और मैग्निफिकेशन मतलब फूड चेन में वो चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है. सो ये दोनों बहुत ही डेंजरस हो जाते हैं हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए एंड ओवरऑल फूड चेन्स के लिए. तो जैसे मैंने आपको बताया बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू हाउ पोल्यूटेंट्स एंटर द फूड चेन. तो पोल्यूटेंट्स कैसे एंटर करते हैं फूड चेन को, उसको रेफ़र करते हैं. वहाँ पे इंक्रीज होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट टू फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, और सब्सटेंसेस सच एज पेस्टिसाइड्स और कुछ और केमिकल्स हैं जो बेसिकली इसको इफ़ेक्ट करते हैं. एब्जॉर्ब्स द सब्सटेंस एट अ रेट फास्टर देन दैट एट विच द सब्सटेंस इज लॉस्ट बाय कैटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. तो जितना रेट से वो बॉडी में जा रहा है उतनी रेट से उसको रिमूव नहीं किया जा रहा है, इसको हम बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं. और जनरली ऐसे सब्सटेंसेस को टॉक्सिक सब्सटेंसेस की कैटेगरी में डाला जाता है, जैसे पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, मिथाइल मर्करी एटसेट्रा. और एक बहुत ही फेमस पेस्टिसाइड था डीडीटी जो बायो एक्यूमुलेट हो रहा था फिशेस के अंदर. तो ये सारा प्रोसेस बायो एक्यूमुलेशन. और बायो मैग्निफिकेशन का मतलब है कि पल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ जाती है, जब वो एक ट्रॉफिक लेवल, मतलब एक फूड चेन के एक लेवल से दूसरे फूड चेन के लेवल पे जाते हैं. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पल्यूटेंट इन अ फूड चेन टू अनदर. इन ऑर्डर फॉर बायो मैग्निफिकेशन टू ऑकर, पल्यूटेंट को लॉन्ग लिव होना चाहिए, मतलब ज़्यादा देर तक उसको जो है उसकी लाइफ होनी चाहिए. मोबाइल होना चाहिए, मतलब मूवमेंट ऑफ पल्यूटेंट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर होना चाहिए. फैट्स के अंदर वो स्टोर होना चाहिए. और फाइनली बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब इसी वजह से तो वो बॉडी को डिग्रेड करेगा. अगर आप देखो तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होगा, जब फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, फिशेस और टॉप प्रेडेटर में वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक पोल्यूटेंट है वो बढ़ता जाएगा. और अगर हम बात करें बायो एक्यूमुलेशन की तो वो एक ही पर्टिकुलर एनिमल में रहता है. तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन बायो एक्यूमुलेशन और जो है बायो मैग्निफिकेशन. कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? देखिए, हमारे एग्रीकल्चर के अंदर हम बहुत पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं आज, स्पेशली पेस्टिसाइड्स जिनको डर्टी डजन्स की कैटेगरी में भी डाला गया है. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और अगेन ये फूड चेन और फूड एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्यूमुलेट होते रहते हैं. प्लास्टिक एक बहुत बड़ा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और ये बॉडी के अंदर से निकलता ही नहीं है, तो ये इसकी भी एक्यूमुलेशन बढ़ती जाती है. कुछ ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स हैं वो भी बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं. और फाइनली माइनिंग जब हम करते हैं, जैसे आयरन की माइनिंग, एल्यूमिनियम की माइनिंग, माइका की माइनिंग, तो ये सारे जो मेटल्स हैं ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और धीरे धीरे करके ये भी पानी में चले जाते हैं और इनफैक्ट फिर वो वहाँ पे जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. अगर इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट है. अगर फॉर एग्जांपल सी फूड बहुत लोग कंज्यूम करते हैं, बहुत कंट्रीज़ है जहाँ पे सी फूड एक स्टेपल डाइट की तरह कंज्यूम किया जाता है. और सी फूड में काफ़ी बारी देखा गया है कि मर्करी की क्वांटिटी बहुत देखने को मिलती है. जैसे एक मिनामाटा डिजीज़ होती थी बहुत फेमस, तो वो कहीं ना कहीं बायो एक्यूमुलेशन ऑफ मर्करी की वजह से हो रही थी. एक्वाटिक एनिमल्स के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है, बेचारों का डेवलपमेंट, उनका जो प्रोक्रिएशन का प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती हैं. तो एक्वाटिक एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा बुरे हालातों में रहते हैं जब ये पूरा प्रोसेस होता है. फूड चेन की डिस्ट्रप्शन हो जाती है टोटली. तो कोई जैसे टॉप प्रेडेटर्स है, उसके अंदर इतना ज़्यादा जब एक्यूमुलेटेड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होगा तो इवेंचुअली वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, तो पूरी फूड चेन ही टूट जाएगी. और फाइनली कोरल रीफ्स, आपको पता है जिसको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस बोलते हैं, कोरल रीफ्स बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डैमेज होती है जब ये सारी चीज़ें होती हैं. तो क्या करना चाहिए हमें बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए? डेफिनेटली हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए स्टैंडर्ड्स डेवलप करने हैं कि उनके क्या पोल्यूटेंट्स होने चाहिए, उन पोल्यूटेंट्स के ऊपर हम कैसे लगाम लगाएं और कैसे हम स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन करें, साइंटिफिकली कैसे डिफ़ाइन करें और कैसे मॉनिटर और सर्वेलेंस लेके आएँ. फिर डेफिनेटली हम जितने भी पोल्यूटेड रिवर्स हैं उनके लिए एक्शन प्लान लेके आएँ कि कैसे हम उन रिवर्स को नॉन पोल्यूट कर सकें, मतलब उनमें से वो सारा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स उनको रिमूव कर सकें. फिर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जितने भी हैं उनको हम कैसे करके उनकी ट्रीटमेंट कर सकें, उनकी इंस्पेक्शन कर सकें ताकि जल्दी से जल्दी वो सारा हो. फिर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, देखिए पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स या फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये सारे रूल्स लेके आए हैं अंडर वेरियस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स के अंदर. तो वो सारी चीज़ों के ऊपर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है. हमें बिल्कुल डंपिंग रिस्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए रिवर के अंदर. हमें वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहिए, बिकॉज जो सोप्स होती हैं ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं और जब ये एक बारी पानी में चली जाती हैं तो ये भी कंज्यूम हो जाती हैं. फिर हज़ार्डोस फिशिंग नेट्स की डिस्पोजल को रिड्यूस करना है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें लोगों को एजुकेट करना है अबाउट दीज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कि ये कैसे हमारे फूड चेन्स और हमारे बॉडीज़ के अंदर बायो एक्यूमुलेट और बायो मैग्नीफाई कर रही हैं. तो ये पूरी आज का सेशन था. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।